गंगा स्वच्छ गंगा के अभियान चलाया जा रहा है। इसके जो भी संयोजक हैं हमारे गायत्री परिवार के, इनके मैं चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूँ। और साथ में उनके साथ में फर्रुखाबाद जनपद और अन्य जनपद के भी लोग जो सहयोगी हैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और गायत्री परिवार द्वारा अक्सर ही समाज में कैसे समाज स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, ऐसा मिशन रहता है, मेरा मानना है। उसी के तहत स्वच्छ गंगा के लिए, लोगों में जन जागरण करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कैसे स्वच्छ गंगा बनेगी, इसके लिए आप जो कार्य कर रहे हैं बड़े सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और हमारी नज़र में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि जब तक गंगा जी स्वच्छ नहीं होगी तो हम सही माने में वातावरण साफ सुथरा नहीं बनेगा। गंगा का जो जल है वो अमृत के समान है। इस जल में पता नहीं कितनी असंख्य संख्याओं में जड़ी बूटियां और तत्व पड़े रहते हैं, मिले रहते हैं, जो पूरे जीवन को स्वस्थ बनाते हैं। और उस जहां जहां से गंगा निकल जाती है उस क्षेत्र को भी स्वच्छ करती है, उस वातावरण को भी स्वच्छ करती है। गंगा के दर्शन कर लेने से ही लोगों के मन आत्मा शांति प्रदान होती है, मन स्वच्छ होता है। ऐसी जो गंगा, जब हम सब लोग सहयोग नहीं करेंगे तो गंगा जो वो गंगा गंदी हो रही है वो नहीं स्वच्छ हो पाएंगी। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है, जो आपने जागरण में बता रहे हैं कि हम लोग खंडित मूर्तियों को या जो पूजा पाठ के बाद जो अवशेष बचते हैं उन्हें गंगा जी में न प्रवाहित करें, या जो पशु हैं या हमारे जो भी जो मृतक जीव जंतु हैं उन्हें गंगा जी में न प्रवाहित करें, गंगा जी के किनारे ही कहीं न कहीं गहरे में खोद कर दफन कर दें। ऐसा हम सबको अपने जीवन में लाना है, जिससे स्वच्छ गंगा होगी उसमें रहने वाले जीव जंतु भी साफ सुथरे होंगे, जल भी स्वच्छ होगा। और उस जल का हम सब लोग सेवन करेंगे तो हम सब लोग भी स्वस्थ होंगे। इसलिए मेरा आप सबका मानना है कि हम सब लोग गंगा जी को साफ सुथरी बनाने के लिए संकल्प लें। गायत्री परिवार के सदस्यों के साथ हम सब लोगों का भी कर्तव्य बनता है। फर्रुखाबाद जनपद से होके गंगा जी निकलती है, इसलिए इसे दूसरा काशी भी कहा जाता है। तो मैं मानता हूँ फर्रुखाबाद जनपद के विशेष करके सभी लोग वैसे जागरूक भी हैं और बराबर आप सब लोगों के आशीर्वाद से आप सबसे प्रेरणा लेके और भी जागरूकता फैलाने का हम सब लोग भी प्रयास करेंगे और स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा बनाने का, अविरल गंगा बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे, आपके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका फर्रुखाबाद जनपद में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और मेरी तरफ से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग जो हम लोग काम करना चाहते हैं वो आप सब लोग काम कर रहे हैं। आप सबको तो कहीं ना कहीं बैठ के आराधना करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये तो सही माने में जनप्रतिनिधियों का काम होता है, लोगों को जागरूक करना, आप सब लोग जागरूक कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इन सब बातों के साथ आप सबसे प्रणाम करता हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उसकी बात प्रणाम करता हूँ। जय गंगेवा। हमारे बीच में सांसद जी ने अपनी सद्भावनाएं व्यक्त की गंगा निर्मल करने के लिए। यहाँ पर जो गायत्री परिवार में लोग हैं ये साधु संन्यासी नहीं बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग है, जो नौकरी भी करते हैं, अपना कार्य भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, उसके बाद अपना समय लोक मंगल के लिए समाज के कल्याण देते हैं। राष्ट्र का निर्माण व्यक्ति के निर्माण से होगा। एक व्यक्ति अच्छा होगा तो उसका परिवार अच्छा बनेगा, परिवार को सुसंस्कारित करना, समाज को